क्या बोलती टिकटॉक की पब्लिक, अपने वीडियो पे लाइक आवे या ना आवे, खाना तो फिर भी मिलता है घर पे। हेलो वेलकम गाइस। तो ऐसी वीडियो बनाने के लिए दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी काइंड मास्टर एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको इसमें ऐड कर लेना है एक फ्रेम, तो यहाँ पे मैं एक फ्रेम ऐड कर लेता हूँ। फ्रेम ऐड करने के बाद दोस्तों आपको एक वीडियो शूट कर लेना है, वो वीडियो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि वो वीडियो आपको कैसे शूट करना है। तो चलिए वो वीडियो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद इस वीडियो को मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा वीडियो आपको यहाँ पे शूट करना पड़ेगा। तो चलिए हम वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं। क्या बोलती टिकटॉक की पब्लिक, अपने वीडियो पे लाइक आवे या ना आवे, खाना तो फिर भी मिलता है घर पे। तो दोस्तों इस वीडियो में जो मेरी लिपसिंग है वो थोड़ा पीछे है, तो अगर आपकी लिपसिंग किसी टिकटॉक वीडियो में पीछे हो जाता तो उसका आइडियो अलग करके आप यहाँ से उस आइडियो को थोड़ा सा कम करके उसको आगे कर देंगे, तो लिपसिंग आपकी बराबर हो जाएगी किसी भी वीडियो में। क्या बोलती टिकटॉक की पब्लिक, अपने वीडियो पे लाइक आवे या ना आवे, खाना तो फिर भी मिलता है घर पे। तो दोस्तों ये जो मेरा वीडियो है इस साइड है, मुझे अक्षय कुमार को उस साइड में ऐड करना है, तो इस वीडियो को मैं सबसे पहले फ्लिप कर लेता हूँ। तो इस वीडियो को चलिए मैं फ्लिप कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करना है और आपको जाना है थोड़ा सा नीचे और यहाँ पे रोटेट मिररिंग में जाना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा रोटेट मिररिंग का, इस पर क्लिक करने के बाद ये फ्लिप वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आपको वीडियो फ्लिप कर लेना है अगर आपका वीडियो उस साइड बना है, तो नहीं तो आपका वीडियो इस साइड है तो आपको फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लेयर पे क्लिक करना है, लेयर पे मीडिया पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको अक्षय कुमार का वीडियो डाउनलोड करना पड़ेगा ग्रीन स्क्रीन में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद अभी हम इसका जो है क्रोमा की से ग्रीन कलर हाइड करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोमा की, इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इनेबल कर देना है क्रोमा की को। इनेबल करने के बाद आपको थोड़ा सा सेटिंग भी कर लेना है इसमें, तो इसको इनेबल करते हैं और नीचे जो आपको थोड़ा सा सेटिंग ऑप्शन दिख रहा है दो, इसको थोड़ा सा सेटिंग कर लेना है ताकि ग्रीन कलर बिल्कुल भी ना दिखाई दे आपके वीडियो में। उसके बाद इस वीडियो को आपको एडजस्ट कर लेना है, जिस प्रकार आपका वीडियो होगा उसी प्रकार से आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है अपने वीडियो में। तो यहाँ पे मैं अपने वीडियो में सेट कर लेना है जिस एंगल से और जितना जूमिंग से और जितना कम जूमिंग से आपको अच्छा लगे, उतना कम जूमिंग और उतना जूमिंग आपको अपने वीडियो में रखना है। और आपको वीडियो बार बार प्ले करके देख लेना है, जहाँ से आपका वीडियो और अक्षय कुमार का वीडियो थोड़ा सा सेट हो जाता है बस वहीं से आपको वीडियो को सेव कर लेना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्ले करके देखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा और यहाँ पे कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम या फिर इस्तेमाल करके आपको जिस अच्छे से यहाँ पे जैसा आपके वीडियो में सेट हो जाए। आपको जल्दी नहीं करना है, आप अच्छे से एक दो बार तीन बार वीडियो को प्ले करके यहाँ पे थोड़ा अच्छे से सेट करके आपको यहाँ पे सेव करना है वीडियो को। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको ऐसा आपको थोड़ा सा वीडियो को टेढ़ा कर देना है अपनी तरफ, अक्षय कुमार को झुका लेना है और अक्षय कुमार के साइड जो है साइज वो आपको अपने से थोड़ा कम या ज़्यादा आपको जैसा रखना है आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो वीडियो को सेव कर लेना है, उसके बाद जो है टिकटॉक पे अपलोड कर सकते हैं।